मध्य प्रदेश में मोहन यादव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के कंधों पर पार्टी ने प्रदेश की कमान तो सौंप दी, ऐसे में अब इंतजार है तो मंत्रिमंडल का। सूत्रों से मिली जानकारी कहती है मध्य प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, ऐसे में सवाल उठ रहा है पहली बार में कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, किन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्या जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश में बीजेपी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार 19 दिसंबर की शाम को हो सकता है। नए सरकार में 30 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शिवराज सरकार में भी 33 मंत्री मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे थे। इस बार भी पुरानी सरकार की ही तरह संख्या देखी जा सकती है, हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव का असर मंत्रिमंडल की सूची में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का भी विस्तारीकरण होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मंत्रिमंडल की लिस्ट को लेकर नेताओं ने दिल्ली में बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक प्रहलाद पटेल और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल थे। रविवार रात की बैठक में पूर्व सीएम चौहान को नहीं बुलाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के वरिष्ठ नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय के साथ प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह और गोपाल भार्गव को भी जगह देने पर विचार चल रहा है। पहली बार में संभवतः 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल से बात की है। उन्होंने मंत्रिमंडल में रहने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। संभावना है पार्टी नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह देगी। इस बार मंत्रिमंडल की सूची में लोकसभा चुनाव का असर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक एक विधायक को मंत्री बना सकती है। इस बार कई नए विधायकों को भी मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। शिवराज सरकार के 12 मंत्री विधानसभा चुनाव 2023 में हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में 12 नए मंत्रियों का बनना तो तय है, इसके अलावा अन्य नाम भी चौंका सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया के मुताबिक जिस तरह से मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ है उसी तरीके से मंत्रिमंडल के मंत्रियों का नाम भी तय होने वाला है। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद इस बात का पता नहीं था कि उन्हें पार्टी सीएम पद पर मौका दे सकती है। इसी प्रकार मंत्रियों की लिस्ट भी पूरी तरह गोपनीय है। वहीं पार्टी के अधिकृत ऐलान के बाद ही सूची सार्वजनिक हो पाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल की सूची पर कुछ असर जरूर देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से कृषि मंत्री कमल पटेल, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रेम सिंह पटेल, अरविंद सिंह भदौरिया, गौरीशंकर तक चुनाव हार गए। इसी तरह भारत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर कांग्रेस, राहुल लोधी भी कांग्रेस प्रत्याशी, जो चुनाव हार कर मंत्रिमंडल की दौड़ से बाहर हो गए। इन 12 मंत्रियों के स्थान पर नए विधायकों को मौका मिलेगा, इसी तरीके की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।